मेलर अब बच्चों को गाओ ने 11 बजे का मेल से बाहर मेरे मेला हाथों हाथ ले आ बेन आप भी गयो लैंड कुपा पलट पड़ेगा हां साहब ये पलट पड़ेगा ले आ बेन जनरल आ गए फोन करो मेला बस में ठीक है ना चलो करो एक है सा एक सेम है चलो चलो हम आ जाऊं उर्दू कॉल सेंड क्या करया सुबह में लगाए 12 है आइए आइए साहब आइए आइए सरकार आइए एक कॉपी ये जरूर जरूरत से जाए कालो जी साहब भरत जी लियो दिए आओ ये फोटो फोटो ले लो ये संबंध ये है कि लोगों से जुल्म हो गया भारत माला ने इनकी करोड़ों अरबों रुपए की जमीन हड़प कर ली करोड़ों अरबों रुपए की जमीन हड़प कर दी कौड़ियों के भाव और इनकी हालत खराब है लोग आत्महत्या करने वाले हाँ वास्तव में सही बात है बिल्कुल ये सिचुएशन एक बात सुनो मैं 25-25 लाख रुपए देके जमीन खरीदी आज मिलने 5,000-25,000-20,000 और 3 दिन नहीं सुनी तो ये आपको मालूम नहीं है कमेटी में कौन लोग है कौन नहीं है क्या गाइडलाइन है कोई बताया नहीं है इसके विरोध में अपने पास भी एक अधिकार है आपको मालूम होना चाहिए राइट टू इंफॉर्मेशन RTI तो आपने कोई RTI नहीं लगाई अपन इनसे भी जान सकते हैं। अच्छा अभी आपका आगे का क्या आज दूसरा दिन है जाने का जैसे कोर्ट का मामला तो मैंने कोर्ट में तो इसका फाइल हमारी लगी हुई है अच्छा स्टे हाई कोर्ट में जो हमारा फाइल लगी हुई है अच्छा जो रोड हमारा 3 जगह जैसे मैप में दूसरी जगह बता रहा है हाल दूसरी जगह है अभी तीसरी जगह बना रहे अच्छा, मेरे खेत के अंदर 3 रोड निकल रही है अच्छा उतना ही खेत है 3 रोड जा रही है तो फिर दूसरी जगह कटी हुई पहले की जमीन उस पर मैं निर्माण कर सकूंगा ना मेरा उसका हक रहेगा तो ये जबरदस्ती लड़ा मैंने उससे प्रशासन को रोकने की कोशिश की तो मेरे को धमकियां दे रहे हैं बार बार मेरे को धमकी रहे सोनाराम नाम करके वो जो जय है वो बार बार धमकी दे रहा है अच्छा सोनाराम जी वो यहाँ सरकारी डिपार्टमेंट से हैं तो प्राइवेट जय है हाँ लोकल जय है उसने इस गागरिया में सारा भ्रष्टाचार उसने किया है अच्छा। एक कमरे का 16 लाख अवार्ड जारी किया और एक 16 कमरों का 16 लाख जारी किया अच्छा इनका अवार्ड सोनाराम जारी कर रहे हैं सोनाराम बना रहा है गाइडलाइन वो दे रहा है उसके बाद में STM और ये पटवारी वगैरह सब उनके साइन चलते हैं लेकिन गाइडलाइन पूरी यही बनाता है इंजीनियर है। इस धरने के बाद में आपसे उन संबंधित अधिकारियों से या किसी से बात हुई क्या अधिकारियों से बात हुई है मेरी हाँ धरने जो ये भारतमाला के अधिकारियों से मैंने रिसीव आज से पहले 2-3 महीने शिकायत की है जहाँ जाना चाहिए कि ऑफिस में कलेक्टर से भी मैंने शिकायत की है और कल परसों मैंने कलेक्टर साहब को भी इसकी शिकायत दे के आया हूँ मैंने कहा सर मेरी सुनवाई नहीं तो कलेक्टर साहब ने बोला कि हम SDM साहब को बोल रहे हैं और आपकी ये सुनवाई होगी पूरी जांच होगी कल आपने जो ज्ञापन दिया है केंद्रीय परिवहन मंत्री के नाम से केंद्रीय परिवहन मंत्री के नाम से जी हाँ हेलो हम 8 लाख रुपए दे देते हैं आप समझौता कर लो और मामला रफा दफा कर दो अच्छा। तो मैंने माना नहीं फिर कहा 12 लाख दे देंगे रफा दफा कर लो फिर इन्होंने 20 लाख कहा कि अब जो भी है आपके वो पूरा कर देंगे आप आ जाओ हमारे पास मामला रफा दफा करो तो मैंने कहा कि मैं आज तो नहीं कल आऊंगा दूसरे दिन मैं यहाँ आया STM साहब के पास मुझे कहा यहाँ आने का तो यहाँ आने के बाद तो यहाँ अगर मैंने STM साहब से पूछा तो उन्होंने कहा आपका काम पूरा हो जाएगा यानी आपके कोई कमी नहीं होगी काम हो जाएगा अब वो 420 उन्होंने करी है वो पूरे फोल्ड में है हमने जांच कर ली पड़ोस वालों की तो अब आपका पूरा काम सही कर दिया जाएगा तो फिर मैंने कहा कि चलो मेरा काम हो जाएगा तो ठीक है मैं मुतमैन हूँ बैठा हूँ फिर देखा कि STM इन्होंने आकर STM साहब को बोला कि हम एक को बैठा देते हैं इनके पास सबूत है फोटो वगैरह है पड़ोसी के तो इनको बैठा देते हैं इनको बैठा देंगे तो इन्होंने कहा किसी ने मुझे दूसरे आदमी ने बताया कि भाई इनके बात हो गई कहा कि STM साहब से भी ये मिल चुके हैं कहा कि एक को दोगे सबको देने पड़ेंगे इसलिए किसी को मत दो अच्छा। फिर कहा पूरे पैसे आपके बंद कर दिया अब आपको भी नहीं देंगे अब आपको कितने मिले 4 लाख मिले 4 लाख मिले हैं खड़े औकात में
अभी तो उठाया तो कोई नहीं कुल मिला के साथ जो दिया है आप कम कम एक बार साइन करया ना हां कहा कि आपके 20 लाख आएंगे मारते हैं थोड़ा सुनो कि जब मेरे जो दुकान है 20x20 की दो दुकानें बनी हुई है जो पत्थर की बनी हुई है और अंदर प्लास्टर वगैरह हुआ है और ऊपर छज्जे भी लगे हुए 20 फुट जोधपुर पत्थर के आप सुनना मजीद सिफर खान मजीद तो मेरे जो दुकानें बनी हुई है उसमें नीचे 7 फुट नीवे भरी हुई है 20x20 की और ऊपर 12 फुट लंबाई आई और आगे छाते बने हुए हैं जोधपुर पत्थर के और अंदर प्लास्टर वगैरह करा हुआ है और उसमें लाइट कनेक्शन भी है मेरा ये सब चीज़ होते हुए इन्होंने मेरा जो मुआवजा बनाया है सिर्फ 4 लाख 4.5 लाख बनाया और मेरे पड़ोस में सिर्फ नीवे भरी हुई है वो किसका है जो कचरा खान के है अच्छा उसके 12 लाख आया है नीवे भरे उसका 12 लाख इसका 4 लाख 4 लाख आया मकान बना हुआ है दुकानें बनी हुई है शटर वगैरह लगे हुए है लाइट बिल वगैरह सब है उसके भी 4 लाख ही बनाए उसमें भी इन्होंने गड़बड़ी करी जो मेरे आगे नीवे भरी हुई थी उसकी उन्होंने लिखत करी नहीं उसको छोड़ दी फिर दोबारा उसने वो खुदाई भी करी उसको तोड़ भी दी आगे की जो नीवे थी आधी नीवे उन्होंने तोड़ दी तोड़ने के बाद में फिर जब दूसरी बार मैंने इसकी शिकायत करी कि भी मेरी नीवे थी इन्होंने तोड़ दी और इसका मुझे मुआवजा भी नहीं दिया तो एसटीएम साहब ने दोबारा जांच का दिया था आदेश तो उसमें तहसीलदार वगैरह आए थे और जांच करी जांच करने के बाद में फिर मुझे बताया कि भाई अब जो आपके आगे की नीवे है उसका हम बना देंगे दोबारा तो उसका अभी तक मैं मुझे पता नहीं कितना अवार्ड हुआ कितना नहीं हुआ मुझे नहीं पता नीवों का बनाया वापस कितना बनाया और फिर पीछे का है वो भी मेरे 25x20 की बनी हुई है नीवें भरी हुई है वो भी 7 फुट नीवें भरी हुई है उसका जो इन्होंने अवार्ड बनाया वो भी मैंने देखा नहीं आज तक कितना आया है फिर मैंने उसकी वो जो जांच कराई तो कहा कि मैंने कहा भाई ये मेरे पीछे इन्होंने नंबर लगा लिए ठेठ पीछे तो मैंने कहा भाई ये जा रही है तो सोनाराम ने मुझे कहा नहीं 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 इसको हम कैंसिल कर देंगे आप अगर ज़्यादा करोगे ना तो आपके जो ये पैसे आए हुए हैं यही मिलेंगे इससे ज़्यादा करोगे तो पीछे वाला हम कैंसिल कर लेंगे तो मैंने कहा भाई आपने इसमें नंबर लगाए हुए हैं सर्वे करा है तो वो सर्वे करना हमारे हाथ में है और पैसा कितना भी हमारे हाथ में है 2 लाख रुपये मांगे थे जिसमें मैंने कहा भाई 1 लाख रुपया पहले बोल देने का जिसमें मैंने 50,000 ही दिए किसने मांगे पैसे पैसे मांगने वाला तो कचरा खान था भारत माला में उसका क्या संबंध दलाल है बीच में उन्होंने मुझे कहा 20% मैं लूंगा कुछ दिन तो मैंने चलाया मैंने कहा भाई मैं नहीं दूंगा लेकिन उन्होंने किसी लोगों ने कहा कि भाई अगर नहीं दोगे तो आपका काम नहीं चलेगा फिर मैंने इधर उधर करके 50,000 रुपये दिए 50,000 में देने वाला था इतने में पैसे मेरे खाते में आए गए 4.5 लाख 4.5 लाख आए तो मैंने कहा पैसे मेरे कम आए वापस जाकर इनको पूछा तो इन्होंने कहा कि आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं था इसलिए हमने आपका काम नहीं करा तो मैंने कहा मेरा काम नहीं करा तो मेरे पैसे कैसे लिए आपने फिर मैंने 50,000 रोकड़ दिए थे और 50,000 में दूसरे देने वाला था उसने रोक दिया और मुझे कहा कि खाते में आने के बाद में 1 लाख रुपये और देने थे वो 1 लाख रुपये मैंने रोक दिए नहीं 50,000 मेरे दिए फिर उसको 12 लाख रुपया फिर मुझे कहा सर नमस्कार नंबर पुनर्फेन करें पूरी फोटो कॉपी।